हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर्व फिटिंग में क्वेश्चन ऐसा डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें थोड़ा सा आपका मीन वाला, कभी कभी ये मेथड आप मीन में भी यूज करते हैं। पर्पज यही रहता है उनके पीछे कि आपकी जो क्वांटिटी दी हुई है डेटा में वो बहुत लार्ज नहीं हो जाए, क्योंकि आपने कल भी देखा होगा हमें दो वेरिएबल दी होते हैं जिनके बीच में स्ट्रेट लाइन फिट करनी होती है। उन वेरिएबल की प्रोडक्ट एक का स्क्वायर की आपका कॉलम बनता है, तो वो स्क्वायर अगर ज़्यादा आपकी टेबल में ज़्यादा लार्ज वैल्यू है उनका स्क्वायर और भी लार्ज हो जाएगा, उनको शॉर्ट कैसे बनाएं, तो उसके लिए एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। ये टेबल में आप इसमें रखें एक्स और वाई, एक्स और वाई, एक्स और वाई तो ये एक्स और वाई कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ भाई। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, तो इसमें आप देख सकते हैं तो x अगर आपका 0, 5, 10, 15, 20, 25 तक है, 0, 0, 0, 5, 10 और 15, 20 और 25, ये x की वैल्यू है, इसको हम छोड़ देते हैं। और कोरोस्पोंडिंग y है आपका 12, ये 15, 17, 22, 22 और 24, 30, 24, 17 के 12, 15, 17, 1 मिनट, 12, 15, तो 5, 10, 15 और ये 12, 15, 17 22, 24 और 30, ये वैल्यू आ गई। तो इसमें आप देख सकते हैं अगर मैं सीधी लाइन अगर y इक्वल्स टू a प्लस bx टाइप करें, और इसकी नॉर्मल इक्वेशन बनाएं, तो समेशन x का स्क्वायर करना पड़ेगा 25 का स्क्वायर, एक्स वाई की मल्टीप्लाई, तो लार्ज वैल्यू आ जाएंगी। अगर इनको इनमें थोड़ा सा आप इंटरवल कांस्टेंट दिखाई दे रहा है तो उनको आप छोटी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो, उसमें आपको टेबल में सम करना और उनको इक्वेशन में यूज करना होता है, वो थोड़ा सा आसान हो सकता है। तो उसको आसान करने के लिए देखते हैं आप कैसे इस्तेमाल, अब हम देखते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ वैल्यू देख लें, एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो एन तो इसमें 6 हो गया, एन इसमें 6 हो गया। सिक्स हो गया और तो n 6 हो गया, तो अगर मैं इसकी वैल्यू को u तो मान लेता हूं,
लेट यू इज इक्वल टू, यू इज इक्वल टू एक्स में से आप इसका देखें, ये इसका मिड पॉइंट है 12.5, 25 का आधा, तो एक्स माइनस 12.5, अगर x में से 12.5 फ्रैक्शन घटा देंगे तो सब फ्रैक्शन में आ जाएंगे, इसको डिवाइड भी कर लो 2.5 से डिवाइड, तो ये नंबर बन जाएगा u। तो ये बाकी जो भी ये शिफ्टिंग बोलते हैं सब, इसको शिफ्टिंग और स्केलिंग, शिफ्टिंग का मतलब x में से घटाया सब में से, वो शिफ्टिंग हो गई, स्केलिंग में डिवाइड किया मल्टीप्लाई का, वो स्केलिंग होती है। और v को मान लीजिए ये 30 माइनस 12 रेंज करके कितना हो गया जी आपका 18, आधा 9, तो 12 प्लस 9 20 या 21 ले लें, तो या आप तो v इज इक्वल टू मान लें v इज इक्वल टू y माइनस 20, इसकी केवल क्योंकि 20 इंटीजर है इसकी केवल शिफ्टिंग की है, इसमें आप स्केलिंग मत कीजिए, ये हो गया। तो अब जो x का रोल है वो u करेगा, y का रोल v करेगा, भाई इतना अंतर है कि ये हमारी वैल्यू थोड़ी छोटी हो जाएंगी, तो हम अकॉर्डिंगली टेबल में बनाऊंगा तो उससे आपको समझ आ जाएगा। तो नाउ इक्वेशन ऑफ, लेट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, लेट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बस जो आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होनी थी, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होनी थी, तो वह नाउ v इज इक्वल टू ए प्लस बी यू हो जाएगी क्योंकि हमने इसको अकॉर्डिंगली चेंज कर लिया। तो नॉर्मल इक्वेशन क्या होंगे जी, वो भी लिख देता हूं अभी, फिर टेबल पर जाएंगे। नॉर्मल इक्वेशन, तो नॉर्मल इक्वेशन आप समझते हो किसके कोरस्पॉन्डिंग, अननोन के कोरस्पॉन्डिंग, ए और बी के, तो ये हो जाएगी समेशन v, a की कोरस्पॉन्डिंग 1 से मल्टीप्लाई कर दो, समेशन v इज इक्वल्स टू समेशन a प्लस b समेशन u। तो ये n a भी इसको लिख सकते हो समेशन a को, तो समेशन v इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 1 और फिर b के कोरस्पॉन्डिंग u से मल्टीप्लाई कर दो, समेशन u v, u v प्लस टू ए समेशन यू प्लस के बी समेशन यू बार, ये होगी 2। तो इसकी टेबल मैं बना देता हूं इधर, ये देख सकते हैं आप, टेबल बनाने के लिए आप एक ये थोड़ा सा ये थोड़ा सा लार्ज हो रहा है जी, एक मिनट, तो सेकंड कॉलम ये हो जाएगा, मेरे हाथ से आ गया, ये एक लाइन ये हो गई एक्स और ये आपका ये y और ये x y कॉलम को हम u v में बदलेंगे, u और ये u हो गया, ये v हो गया जी v कॉलम, x y कॉलम यू वी मिलने के बाद एक्स वाई हम भूल जाएं क्योंकि नॉर्मल इक्वेशन हमारी यू में आ चुकी, तो यहां पर आप समेशन एक्स समेशन वाई जरूरत नहीं है,
समेशन यू हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला समेशन वी हो जाएगा यहाँ पर, और दूसरा चाहिए समेशन यू वी, तो यू इंटू वी का कॉलम मैं यहाँ बनाऊंगा और समेशन यू वी, और फिर चाहिए यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर कॉलम आपका यहाँ बन जाएगा, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर। तो वैल्यू में नो लिख रहा हूँ आपके 0, 5, 10, 15, 10, 15, 20, 25, तो ये है 12, 15, 17 और ये 17, 22, 24। तो यू कन्वर्ट कीजिए आप, यू के रिलेशन ये है आपकी एक्स माइनस 12, एक्स माइनस 12 बाई 25, तो एक्स माइनस 12 करेंगे तो आप, तो 0 माइनस 12 माइनस 12.5 माइनस 12.5 और 12.5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर माइनस 5 इस फॉर्मूले से। फिर इसी फॉर्मूले में एक्स की वैल्यू 5 रखें, 5 माइनस 12.5 7.5 और 2.5 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 3, देख सकते हैं ये वैल्यू छोटी होती जा रही है। और 10 में से करेंगे तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। अब समेशन करेंगे तो देख सकते हैं क्योंकि ये एग्जैक्ट मीन लिया था आपने, तो ये समेशन 0 आ जाएगा, ये क्वार नहीं होगी 0, ये हमारा जहां भी समेशन यू यहाँ पे रखा जाएगा और कहीं भी रखा जाए तो वैल्यू होगी, हमारा काम आसान हो गया। फिर वी की वैल्यू तो बस वाई माइनस 20 करते जाओ, तो ये वाई 12 माइनस 20 माइनस का 8 और 15 माइनस ये हो गया माइनस का 5 और माइनस का 3 और ये 2, ये 4, ये 10। समेशन वी अगर करेंगे आधे कुछ निगेटिव है कुछ पॉजिटिव, तो समेशन वी भी आपका ये देख सकते हैं 10, 14, 16 और ये 0 आया जी, तो समेशन वी 0 आया, देख सकते हो जहाँ समेशन वी चाहिएगा ये 0 आ गया। यू वी की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 40 हो जाएगा, 40 और ये 15, ये 3, ये 2, ये 12, ये 15, इसका समेशन समेशन करेंगे तो 15, 15, 30, 70 और 70 और 5, 75 और 12, ये आपका 70, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया 70, और तो यू की वैल्यू यू वी की ये कितना आएगा जी आपका, ये तो 50 50 नहीं, ये 50 होगा जी, ये 3, ये 2, ये 12 और ये 50 आएगा, सॉरी 50 आएगा, तो इसका यू वी का समेशन हो जाएगा यू वी आपका 2, 2। अब यू स्क्वायर कर दें तो ये 25 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1, ये 9 और ये 25। आप देख सकते हैं अगर ये आप ये शिफ्टिंग और स्केलिंग ना भी करें तो ये वैल्यू इसी डायरेक्ट ही इस टेबल को बनाएंगे, बहुत लार्ज वैल्यू बैठेगी, कर सकते हैं उसे भी, कोई डाउट वो प्रॉब्लम नहीं है, बट कभी कभी मेथड ये भी यूज हुआ मिलेगा आपको बुक में, तो इसको भी मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ 70। अब ये इक्वेशन से आप ये इक्वेशन में रख दें तो इक्वेशन मैं लिखता हूँ समेशन वी, समेशन वी है आपका 0, तो पहली इक्वेशन बन गई 0 इक्वल टू सम ए, समेशन ए मीन 6, 6 वैल्यू है आपकी 6 ए प्लस समेशन यू 0 है प्लस, देखो कितना आसान हो गया 0 बी, तो यहां से 6 ए इक्वल टू 0, तो यहां से देख सकते हो आपको ए की वैल्यू तो 0 आ गई, इक्वेशन हो गई। अब नाउ सेकंड समेशन यू वी ये मीन्स 122 इज इक्वल्स टू ए समेशन यू यानी ए इनटू 0
प्लस बी समेशन यू स्क्वायर 70 बी, यू स्क्वायर 70 बी, तो बी की वैल्यू भी डायरेक्ट आ गई, बी इक्वल्स टू 122/70, तो ये आ गई 1.743, ये वैल्यू आ गई। तो आपकी इन यू वी, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू रखूंगा, बट वो यू वी में आएगी, यू वी को हमें तो एक्स वाई बदलना है, वो यहाँ से आप बदल दें। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन यहाँ लिख रहा हूँ जी, रिक्वायर्ड इक्वेशन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है ना फिट कर रहे हैं आप, तो ये हो जाएगा v इक्वल्स टू a की वैल्यू जीरो है, इक्वल जीरो ना, जीरो प्लस v इंटू यू, तो 1.743 u, ये आंसर आ गया जी। बट अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, यू वी तो हम अपने लाए हैं, इसको आपको बदलना होगा एक्स वाई में, तो वी की वैल्यू वाई माइनस ट्वेंटी रखूंगा यहां से, तो वाई माइनस ट्वेंटी इज इक्वल्स टू, ये जीरो हो गया, 1.743 u की वैल्यू यहां से रख दो, ये हो जाएगा 2x-12.5/2.5, बस इसको आप यहां सॉल्व करके लिखेंगे, तो यहां पर की वैल्यू आ जाएगी आपकी y इक्वल टू सॉल्व करके आ जाएगा ये 0.7x, इससे आप 2.5 से जैसे इसको डिवाइड करोगे तो ये 0.7x आ जाएगा, और प्लस के अलग सॉल्व से 0.285, ये फाइनल आंसर है। अब आप आंसर आपको करेक्ट आया है कि नहीं, करेक्ट मतलब अप्रोक्सीमेट, वो आप देख सकते हो उसमें, जैसे ही आप x की वैल्यू जीरो रखी तो y की वैल्यू 12.285 मीन 12 के आसपास आ गई, जो आपकी यहाँ दी हुई है ये वाली, जैसे ही आप 5 रखेंगे इसको x की वैल्यू को, तो ये 15.5 × 3.5 = 11.3 = 14 तो 15 के आसपास आ जाएगा, तो ये वैल्यू आपको ये वैल्यू से मैच होती दिखाई देंगी, तो दैट मीन्स हमारा आंसर सही है। तो ये क्वेश्चन हमने इसलिए लिया है क्योंकि थोड़ा सा टेबल में हम शिफ्टिंग स्केलिंग करके माइनस प्लस करोगे तो शिफ्टिंग कहलाएगी, और डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे तो आपका स्केलिंग कहलाएगी, उस तरह से आप अपनी जो वैल्यू दी है टेबल की वो छोटी कर सकते हो, जो आप टेबल इक्वेशन के लिए बनी नॉर्मल इक्वेशन में जो रिक्वायर्ड होती हैं, और उससे आप आंसर जल्दी जल्दी फिर सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट टाइम में एक्सपोनेंशियल कर्व फिट करना सीखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। अरे आइए।